सामने वो जो ऊपर वाला सिंबल भी साथ में लो और यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ बैठना मना है ठीक है, फिर भी नहीं बैठना यही है ठीक है भाई, कोई नहीं यही है दोस्तों वो नेक बैंड, ये अंडर वारंटी है तो मैं अभी जा रहा हूँ शॉप पे, देखता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका, रिपेयरिंग का या फिर रिप्लेसमेंट का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं काफ़ी देर से रेडी बैठा हूँ, लगभग मैं उठा था लगभग 3:30-3:30 बजे क्योंकि 4 बजे की कैब थी मेरी, बट वो कैब वाले ने अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ फ़ोन पिकअप नहीं किया, शायद उसको कैंसिल ही करनी थी, बट ये गलत चीज़ है, उसको टाइम पे कैंसिल करना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैंने एक दूसरी कैब बुक कर लिया, उसका टाइम 5:50 का है लोहारू से, तो अभी मैं बाइक लेके, मेरा भाई आएगा चाचा जी का लड़का, तो वो मुझे बाइक से छोड़ के आएगा लोहारू, काफ़ी ठंड है बाहर, तो देखते हैं अभी 5:50 की गाड़ी है मेरी, तो गुड़गांव पहुंचूंगा मैं लगभग 9:30 बजे, तो थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए मैंने जल्दी की बुक की थी, तो चलो कोई नहीं अब तो करना पड़ेगा मजबूरी। मम्मी भी उठ गई है उसी टाइम उठ गई थी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी चलो ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों अब बाइक चला रहा हूँ मैं, बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अब बाइक चला रहा हूँ मैं, लगभग स्पीड कितनी है मेरी, लगभग 50-60 पर आवर की है और मुझे 5-7 मिनट और लग रहे हैं पहुँचने में। फ्रेंड्स मैं स्टैंड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरी कैब आने वाली है, लगभग 5-10 मिनट और लगेंगे उसको, तो हम आज बहुत फास्ट हैं, हर जगह ही फास्ट है, बाकी ठंड तो क्या ही बताऊँ, हाथ तो कांप रहे हैं, बाइक चला के लाया मैं, 70-80 की स्पीड हो गई थी लास्ट में, तो मेरा भाई वापस जा चुका है और कैब वाला आने वाला है, तो अभी कैब में बैठ के ही फिर ठंड शांत होगी। बाकी यहाँ पर एक भाई ने थोड़ी सी आग जला रखी है पीछे, आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ भी बैठूंगा मैं अभी। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पर और टाइम हुआ है अभी 7:45, मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया, जो कैब बुक की थी मैंने लोहारू से वो भाई काफ़ी स्पीड से चला के लाया और काफ़ी सेफ ड्राइव भी की उन्होंने, तो काफ़ी जल्दी पहुंच गया मैं, तो अभी मेरे पास टाइम है कुछ, तो उसमें मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूँगा और आराम से फ्रेश होकर नहा कर ऑफिस जा सकता हूँ, और इसके अलावा दोस्तों आज मुझे दिल्ली विज़िट करनी है ऑफिस के काम से ही, तो वो पूरी विजिट भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। तो मैं खाना लेकर आ चुका हूँ, अगेन गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म दूध, आंटी के हाथ के पराठों की तो आदत ही पड़ गई है। चलो नाश्ता करके फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली ऑफिस के काम से, जैसा कि आपको बताया था 10:30 के करीब टाइम हो चुका है और मेरे साथ है मेरी टीममेट सीमा, सीमा आई बोलते यार, तो अभी मेट्रो में जाएंगे, तो फ्रेंड्स मेट्रो में बैठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं राजेंद्र प्लेस, हुड्डा सिटी सेंटर से बैठे थे हम और राजेंद्र प्लेस जाना है और वहाँ पर हमें ऑटो मिलेंगे NPL के लिए, तो वहाँ से हमें चेंज करना है, ऑटो में लगभग 10 मिनट का रास्ता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, तो अंदर की वीडियो तो शायद मैं ना बना पाऊँ NPL इंस्टीट्यूट की, बट वो ठीक भी नहीं रहेगा, ऑफिशियल है, तो NPL से निकलने के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स निकल चुके हैं NPL से, अभी जा रहे हैं हम मेट्रो की तरफ और फिर जाएंगे ऑफिस में, अगर टाइम बच गया तो टाइमली पहुंच गए तो फिर ऑफिस ज्वाइन करेंगे वरना डायरेक्टली अपने रूम पे। ऊपर
ऊपर वाला सिंबल भी साथ में लो। और यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ बैठना मना है, ठीक है, फिर भी नहीं बैठना ही है, ठीक है भाई, कोई नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं रूम पे, शाम के हो गए हैं 7:15 और मैं आज जहां गया था वो NPL था, एक CSIR की लैब है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। दोस्तों बेसिकली क्या काम करते हैं यहां पर, रिसर्च होती है रिगार्डिंग SI यूनिट्स, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए एक स्केल आपने परचेज किया तो उसके अंदर सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो उसका स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है कि कितना मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, 1 mm है या 2 mm है, तो स्टैंडर्ड्स ये देते हैं, SI यूनिट्स ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि किलोग्राम है तो 1 kg में कितना वेट है, तो वो 1 kg किसने दिया, वो बेसिकली SI स्टैंडर्ड जो है वो NPL ही डिसाइड करती है। तो हर कंट्री की एक ऐसी लैब होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो यहाँ पर इंडिया में बेसिकली जो NPL है वो लोकेटेड है दिल्ली में, तो वहाँ पर हमने विजिट करी और बाकी ऑफिशियल जो भी काम था वो कंप्लीट किया। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ और हाँ अभी शायद मुझे जाना है, मैंने एक एम्ब्रेन की ईयरफोन ली थी, नेक बैंड हेडफोन जो था वो लिया था, तो वो अभी कुछ इशू आ रहा है, बट उसमें 6 months की वारंटी थी, अभी उसको 4.5 महीने ही हुए हैं, तो अभी जाता हूँ उसको शॉप पर लेकर, देखते हैं उसके रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयरिंग का क्या प्रोसेस है। यही है दोस्तों वो नेक बैंड, ये अंडर वारंटी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ शॉप पे, देखता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका, रिपेयरिंग का या फिर रिप्लेसमेंट का। फ्रेंड्स मैंने दे दिया है वो रिप्लेसमेंट के लिए, वो ये बोल रहे हैं या तो कल या फिर परसों मुझे रिप्लेस होकर वो मिल जाएगी, तो वेट करते हैं कल या परसों का, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है सर्दी जुकाम हो रखी है, तो इसलिए मैं च्यवनप्राश लेकर आया हूँ और सर्दी जुकाम को दूर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अभी हल्की हल्की ठंड है, बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए च्यवनप्राश लेकर आया हूँ। मैं लेकर आ चुका हूँ, आज आंटी ने बनाई है रोटी दाल और गर्मा गर्म दूध तो है ही। फ्रेंड्स डिनर कर लिया है मैंने और च्यवनप्राश भी खा लिया है, जो आपको बताया था मैंने आज जुकाम और थोड़ी सर्दी हो रखी है उसके लिए लेके आया था। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो मिलते हैं अगले दिन फिर एक नई ब्लॉग के साथ।